हेलो पेरेंट्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ एरोडाइट स्कूल ऑफ लर्निंग फतेहनगर। मोबाइल नंबर 7568077458। क्लास 5, सब्जेक्ट GK, चैप्टर 5, लेक्चर नंबर 5। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस लेक्चर देन यू जस्ट नीड टू राइट इन योर नोटबुक। व्हेनेवर योर स्कूल क्लासेस विल बी ओपन देन यू मे क्लियर टू रिलेटेड टीचर। इस लेक्चर के दौरान अगर आपको कोई भी डाउट होता है या कोई भी परेशानी आती है तो आप अपनी नोटबुक में उस डाउट को लिख लीजिए और जब आपके स्कूल क्लासेस ओपन होंगे तो आप अपनी टीचर से पूछ सकते हैं। नाउ लेट्स सी आवर चैप्टर नंबर 5। थीम हेडिंग स्पोर्ट्स राउंडअप। चैप्टर हेडिंग इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन्स, भारतीय खिलाड़ी। यू नो दैट इंडिया हैव अ ह्यूज नंबर ऑफ स्पोर्ट्स प्लेड इन डेली लाइफ शेड्यूल्स। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे इंडिया में काफ़ी सारे गेम्स खेले जाते हैं, राइट? सो देर आर सो मैनी स्पोर्ट्स पर्सन्स हु आर परफॉर्मिंग बेस्ट एंड दे आर ऑल्सो बेस्ट इन देयर रिलेटिव एंड रिस्पेक्टिव स्पोर्ट्स। जो बहुत अच्छा खेलते हैं वो प्लेयर्स भी हमारे इंडिया में हैं और अपने गेम को कुछ इस तरीके से खेलते हैं कि उन्होंने कुछ रिमार्क्स छोड़ दिए लोगों के माइंड पे। तो ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन्स के बारे में भी आज हम पढ़ने वाले हैं, ओके? कुछ स्पोर्ट्स पर्सन्स जो हैं, सम ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन्स आर टू बी सेड एज द लेजेंड्स ऑफ इंडिया। कुछ स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं जो इंडिया के लिए एक लेजेंड बन गए हैं, जो एक आइडल हो गए हैं लोगों के कि हमें भी उनके जैसा बनना है। ऐसे काफ़ी सारे स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं। नाउ लेट्स मूव टू द चैप्टर पार्ट। टिक ट्रू और फॉल्स। व्हाट वी हैव टू डू इन दिस चैप्टर दैट वी हैव टू मार्क ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट, सौरव गांगुली वॉज द कैप्टन ऑफ द कोलकाता नाइट राइडर्स व्हेन दे वॉन देयर फर्स्ट IPL इन 2012। सौरव गांगुली जो हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सौरव गांगुली इज़ अ क्रिकेट प्लेयर एंड ही इज़ अ प्लेयर हु हैज़ अ मेमोरेबल गेम प्लेस। सौरव गांगुली जो हैं एक क्रिकेट प्लेयर हैं और उनके कई सारे ऐसे मैचेस हैं जो यादगार हैं। नाउ व्हाट दिस सेंटेंस सेज that Saurabh Ganguly was the captain of Kolkata Knight Riders when they won their first IPL in 2012 में Saurabh Ganguly जो हैं Kolkata Knight Riders के कैप्टन थे। तो क्या ये बात सही है या गलत? सो दिस आंसर इज रॉन्ग बिकॉज Saurabh Ganguly was the captain of 2003 World Cup, okay, for Indian क्रिकेट टीम। इंडियन क्रिकेट टीम के 2003 के कैप्टन थे जिन्होंने वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया था, ओके? सो द आंसर इज फॉल्स। सेकंड, इन 2018 नीरज चोपड़ा बिकेम द फर्स्ट इंडियन जेवलिन थ्रोअर टू विन अ गोल्ड मेडल एट द कॉमनवेल्थ गेम्स। नीरज चोपड़ा एक जेवलिन थ्रोअर है, ओके? जेवलिन थ्रोअर्स वो होते हैं जो एक जेवलिन थ्रोइंग इज़ अ स्पोर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल इन विच देयर इज़ अ लॉन्ग स्टिक, इट इज़ बीन थ्रोन टू अ मैक्सिमम डिस्टेंस, ओके? द स्टिक और द जेवलिन वेयर इट गोज एट दैट डिस्टेंस should be the highest and the highest distance is the winner distance, okay? Javelin एक ऐसा game है जिसमें एक stick होती है, उसको throw करना होता है, उसको फेंकते हैं, okay? और वो जब फेंकते हैं तो इतना दूर जाना चाहिए, सबसे ज़्यादा दूर जाने वाले या सबसे ज़्यादा दूरी पर गिरने वाली जो stick होती है वो स्टिक वाला पर्सन या स्पोर्ट्समैन जीतता है। तो नीरज चोपड़ा वॉज द जेवलिन थ्रोअर ऑफ इंडिया।
फर्स्ट इंडियन जेवलिन थ्रोअर, पहला इंडियन जेवलिन थ्रोअर थे जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था कॉमनवेल्थ गेम्स में, कौन से सन में? 2018 में। सो यस, दिस इज़ अ राइट आंसर दैट इन 2018 नीरज चोपड़ा बिकेम द फर्स्ट इंडियन जेवलिन थ्रोअर टू विन अ गोल्ड मेडल एट द कॉमनवेल्थ गेम्स। सो आंसर इज ट्रू। विजय कुमार एंड अभिनव बिंद्रा वॉन गोल्ड मेडल इन शूटिंग एट द 2012 ओलंपिक गेम्स। सो वी हैव रेड अबाउट अभिनव बिंद्रा, ही इज अ गोल्ड मेडल विनर इन शूटिंग, राइट? शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है अभिनव बिंद्रा ने, बट 2012 में ओलंपिक गेम्स में नहीं जीता है। ओके, सो द आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट इज बैचिंग बूटिया, स्पेल प्रोनाउंस इट करेक्टली, बैचुंग बूटिया हैज़ प्लेड फॉर 7 फॉरेन क्लब्स इन फुटबॉल। बैचुंग बूटिया इज अ फुटबॉल प्लेयर हु हैड प्लेड फॉर सेवरल फॉरेन क्लब्स इन फुटबॉल। फुटबॉल्स हैव डिफरेंट क्लब्स, ओके? सो फॉरेन क्लब्स के साथ में, काफ़ी सारे क्लब्स के साथ में इन्होंने गेम खेला है। किसने? बैचुंग बूटिया ने। सो यस, दिस इज अ राइट आंसर, सो मार्क इट एज ट्रू। सानिया नेहवाल इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द ओलंपिक सिल्वर मेडल। सो अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस और द पॉइंट, इट इज सेइंग दैट सानिया नेहवाल इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द ओलंपिक सिल्वर मेडल। इज इट सो? नो, दिस इज नॉट राइट। सानिया नेहवाल इज नॉट द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द ओलंपिक सिल्वर मेडल। ओके, सानिया नेहवाल ने नहीं जीता था, वो पहली वुमेन नहीं है जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। नेक्स्ट, सॉरी, द आंसर इज फॉल्स, सो मार्क इट एज फॉल्स। नेक्स्ट इज विराट कोहली वॉज द कैप्टन ऑफ द टीम दैट वॉन द अंडर 19 वर्ल्ड कप इन 2012। विराट कोहली जो हैं इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडिया, वॉज द कैप्टन ऑफ अंडर 19 वर्ल्ड कप इन 2012। सो द आंसर इज फॉल्स, ये आंसर गलत है। ओके, सो मार्क इट एज फॉल्स। दीपा मलिक, पॉइंट नंबर 7, दीपा मलिक द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ पैरालंपिक मेडल इज एसोसिएटेड विद द स्पोर्ट ऑफ शॉट पुट। दीपा मलिक जो है इंडिया की पहली पैरालंपिक मेडल विनर हैं जिन्होंने शॉट पुट स्पोर्ट में पार्टिसिपेट किया था या जुड़ी हुई थी। सो यस, दिस इज ट्रू, सो मार्क इट एज ट्रू। इन 2018 बॉक्सर MC मैरी कॉम क्लेम्ड हर मेडन गोल्ड एट द कॉमनवेल्थ गेम। MC मैरी कॉम, वी नो दैट MC मैरी कॉम इज एन इंडियन ओलंपिक बॉक्सर फ्रॉम मणिपुर। शी इज द ओनली वुमेन बॉक्सर टू हैव वॉन द अ मेडल ऑन ईच वन ऑफ द 7 वर्ल्ड चैम्पियनशिप। मैरी कॉम जो हैं वो इंडिया की पहली ऐसी बॉक्सर हैं, ओलंपिक बॉक्सर हैं जो मणिपुर से हैं, और उन्होंने हर एक मेडल जीता है, हर 7 जो 7 वर्ल्ड
चैम्पियनशिप्स होती हैं उन सातों में मेडल जीता है. ओके, सो द आंसर इज ट्रू दैट इन 2018 बॉक्सर मैरी कॉम एमसी मैरी कॉम क्लेम्ड हर मेडल गोल्ड एट द कॉमनवेल्थ गेम्स. सो मार्क इट एज ट्रू. नाउ लेट्स नो विथ डेरिक. इन फेब्रुवरी 2018 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका Zulan Goswami became the first bowler to take 200 wickets in women's ODIs. February 2018 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलने में Zulan Goswami जो हैं वो फर्स्ट बॉलर ऐसी बनी जिन्होंने 200 विकेट्स लिए वुमेन्स ODI में. मतलब महिलाओं का जो गेम होता है क्रिकेट चैम्पियनशिप जो होती है या मैचेस जो होते हैं वुमेन चैम्पियनशिप जो होती हैं वुमेन मैचेस, उसमें वो पहली ऐसी महिला हैं जिन्होंने वुमेन्स ODIs में 200 विकेट कंप्लीट किए थे 2018 में. किसके खिलाफ? साउथ अफ्रीका के खिलाफ. सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज लेक्चर. व्हाट यू हैव टू डू टुडे, यू हैव टू मार्क द ट्रू एंड फॉल्स बाय रीडिंग द आंसर्स क्वेश्चंस एंड सेंटेंसेस. ओके, एंड ट्राई टू सर्च मोर अबाउट द More about your favorite sports persons. So this is it for your today's lecture. Thank you and have a nice day.